नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक दिन आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेके आता हूं कि जो आपको अपडेट रखे। हालांकि मैं आज जो मुद्दा लाया था वो मुझे पहले लाना चाहिए था, लेकिन मैं वो पहले इस किसी वजह से नहीं लाया हूँ, वो वजह भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है और हम लोगों को बहुत दुखी कर गया, और आप कहीं ना कहीं रिलेट कर ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस धमाकेदार सेशन के, और बताते हैं क्या है आपके लिए वो चर्चित मुद्दा। जैसा कि दोस्तों मैंने लिख रखा है, रेड फोर्ट पर कब्जा। अब आप कहेंगे, सर क्या हुआ, रेड फोर्ट पर कब्जा हो गया क्या है? या मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने सुन रखा होगा तो आप न्यूज़ को अपने माइंड से इस सब्जेक्ट से रिलेट करने लगे होंगे। दोस्तों, हुआ क्या, वाकई में बहुत दुखी कर गया और एक बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर गया कि ये अपने इंडिया में कैसा हो गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 20 दिन पहले ही, अभी आपने देखा था पहले, मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूं ताकि आप जो है वो रिलेट कर पाएं। जैसा अभी इंडिया में हुआ है वैसे ही 20 दिन पहले, मतलब जनवरी में, जब जो बिडेन प्रेसिडेंट बनने वाले थे यूएसए के, कैपिटल हिल, मैंने आपको ये शायद पढ़ाया भी था, वीडियो डाली थी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, कैपिटल हिल में सेम ऐसे ही हुआ जैसा अपना अभी अपना इंडिया क्या हुआ है, अपना इंडिया में हुआ है। इंडिया क्या हुआ क्या है? मतलब हम लोग तो इंडिया में खड़े, तो इंडिया में हुआ है। ये कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ। क्या दोस्तों, अब आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा पहलियाँ बुझा ली, अब थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर करता हूँ आपको। 26 जनवरी को जब परेड चल रही थी, तब कुछ उत्पादों ने, मतलब यार क्या ही बोलूं, मतलब वर्ड्स उनके लिए निकलता भी नहीं है, कुछ मतलब जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने इतनी गंदी छवि पेश करी कि लाल किले पर जाकर हंगामा काट दिया, बहुत से लोग खड़े हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि जो लाल किले पे जहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे वहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, आप कहीं गए भी होंगे, अगर आप दिल्ली के आसपास से होंगे, आई होप सो आप सब लोग घूमे भी होंगे, तो जो ऊपर है वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अपने, जब भारत को इतना एक शक्तिशाली मतलब दिन था भारत के लिए एक, और इतना अच्छा पर्व था, उस दिन भी अपने जो, जहाँ से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री जी एक कहीं ना कहीं अपना झंडा फहराते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूती से जो अन्य राष्ट्र हैं उनके सामने दिखाते हैं, वहाँ पे एक ऐसी हरकत हुई कि हम लोगों का सर झुक गया शर्म से। हुआ क्या दोस्तों, अब सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है 3 कृषि कानून आए हुए हैं, तीन फॉर्मूला आए हुए हैं कृषि कानून, लिख देता हूँ यहाँ पे, कृषि कानून, जिनके विरोध में हमारे जो प्यारे देश के किसान हैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, 3 लॉ आए हुए हैं, 2 मंथ से बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे ये लॉ हटाए जाएं, क्योंकि ये हमारे पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, वो आप डिसाइड करिएगा, लेकिन मैं पहले आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, तभी आपको इस घटना का रियल मैटर या रियल मीन समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया 3 कृषि कानून आए हुए हैं, उनके विरोध में 2 मंथ से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। आप यूँ मानिए, आप अगर कहीं, अगर आपको जाने का मौका मिले तो हो आइए, अभी भी चल रहा है, लेकिन पहले के अगर इमेजेस मिल जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। उनमें आप देखिए इतने बैल सेटल की तरह ये लोग कर रहे हैं कि मतलब कभी किसी को तकलीफ नहीं होने दी, ना तो हथियार उठाए, ना कुछ ऐसा बवाल किया, ना तोड़ फोड़ की, कुछ भी ऐसा नहीं किया, आराम से मतलब बढ़िया से प्रदर्शन कर रहे थे और अपना मतलब पूरी शांतिपूर्ण तरीके से ये कह रहे थे कि मेरी बात मानो, ये कृषि कानून को वापस लो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं ये सरकार और किसान जो संगठन होते हैं उनके बीच अभी तक 45 घंटे की, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, 45 घंटे की
बात हो चुकी है कितने घंटे की, 45, लेकिन फिर भी ये डेडलॉक रहा। मतलब डेडलॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक डेडलॉक, डेड ये लॉक सही से लिख देता हूँ, नहीं आप कहेंगे सर ये क्या लिख देते हो, डेडलॉक रहा मतलब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। तो अब जब नहीं पहुंच पाए तो वैसे ही मुद्दा बना रहा। तो 26 जनवरी को क्या हुआ, 26 जनवरी को किसान हमारे, मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे देश का प्यारा किसान, हमारे देश का प्यारा किसान अपनी सुख और समृद्धि का एक शक्तिशाली प्रदर्शन करना चाहता था। मैं पहले ही बता देता हूँ कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली इन्होंने निकालने के लिए परमिशन मांगी, कैसे मांगी, पहले ये सुप्रीम कोर्ट गए दोस्तों। मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर रैली ये निकालने वाले थे वो किसी भी सरकार के या किसी भी कानून के या किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं था। ये इसलिए मांग कर रहे थे कि 26 जनवरी को हमारा देश एक राष्ट्रीय पर्व और अपना अपनी शक्ति दिखाता है पूरे कंट्री, मतलब जो अन्य कंट्री हैं उनको दिखाता है कि भारत इतना शक्तिशाली देश है और इतनी पावर टाइप की दिखाता है। तो ऐसे ही ये किसान भी विरोध में नहीं, अपनी सुख और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर रैली का मतलब कि एक आयोजन करना चाहते थे कि हम ये शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, जब भी किसान नेम आता है तो हम ये समझते हैं कि वो गरीब होगा या सुख समृद्धि से वंचित होगा या उसके पास पैसा नहीं होगा। दोस्तों ट्रैक्टर का किसानी में बहुत ज़्यादा महत्व है, मैं फिर से यहाँ लिख ही देता हूँ, ट्रैक्टर का किसानी में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों, ये हरित क्रांति से भी जुड़ा रहा है दोस्तों, हरित क्रांति से भी जुड़ा रहा है, इसी के कारण आज हमारे इंडिया के स्टेट इतने संपन्न हो पाए हैं। तो ट्रैक्टर जो एक प्रतीक होता है, एक सुख और समृद्धि का होता है, जैसे आपके इलाके में या कहीं और के इलाके में जैसे वो चैन वो शर्ट के ऊपर डाली जाती है तो वो दिखाने के लिए डाली जाती है कि ये मेरी सुख और समृद्धि है, ऐसे किसानों की दोस्तों हरित क्रांति का या जो हरित क्रांति और इनकी फसलों का, इनकी एक इकोनॉमी का एक ट्रैक्टर एक प्रबल प्रदर्शक होता है कि हम भी समृद्ध हैं और हम भी मजबूत हैं इस देश में। तो क्या हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने परमिशन मांगी कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सरकार के पास गया, सरकार ने कहा, सरकार ने दिल्ली पुलिस के अंदर डाल दिया, सरकार ने ये कहा दिल्ली पुलिस जो भी उचित समझे वो अपना डिसीजन ले सकती है उस दिन। तो दोस्तों पूरी आयोजित तरीके से दिल्ली पुलिस से किसान संगठन की वार्ता हुई और वार्ता के साथ दोस्तों 36, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 36 कंडीशन पे दिल्ली पुलिस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से रैली को निकाल सकते हैं। तीन रूट इन्होंने दिए, पहला यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला गाजीपुर रूट दिया कि आप गाजीपुर तक आएंगे, गाजीपुर बॉर्डर है, यूपी से लगा हुआ गाजीपुर बॉर्डर है, आप आएंगे अंदर जाएंगे और जो कुछ मेन इलाके इन्होंने एलोकेट किए, एक मतलब कि इनको दे दिया कि आप इस इलाके के अंदर ही रहेंगे और वापस अपने धरने प्रदर्शन पर जो स्थान है वहां पे चले जाएंगे। दूसरा इन्होंने सिंधु रूट दिया, और तीसरा दोस्तों इन्होंने दिया मैं यहां पर लिख देता हूं, तीसरा इन्होंने दिया टिकरी बॉर्डर दिया और उसके अंडर कुछ जगह सुनिश्चित करी कि आप यहाँ से आके फिर दिल्ली में वापस जहाँ आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीकों से चले जाएंगे। इवन ऐसे समझ लिए कि झंडे की लंबाई का भी अनुपात उन्होंने दिया, 9:6 रेशियो का था शायद, मेरे डेटा नहीं, मुझे शायद स्लिप हो गया माइंड से, लेकिन 9:6 बिल्कुल फिक्स था कि आप इतने बड़े झंडे को ले जा सकते हैं। एक ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर के अलावा दो लोग हो सकते हैं और सिर्फ पाँच हजार ट्रैक्टर को अनुमति थी और प्लस कोई भी ऐसा चीज नहीं आप लेके जाएंगे या ऐसा हथियार नहीं लेके जाएंगे जो वेपन में इंक्लूड हो इस तरीके से। तो किसान जो संगठन है वो हमारा बड़ा भोला किसान है और प्यारा किसान है तो वो मान गया, उसने कहा कि हम ऐसे ही करेंगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने अनुशासन से ट्रैक्टर रैली चालू हुई, मतलब स्टार्ट हुई अपने गंतव्य से और सब लोग आने लगे बड़े शांतिपूर्ण तरीकों से, कुछ नहीं बिगड़ा था। जब 26 जनवरी को वहाँ पे परेड चल रही थी दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि राष्ट्रपति ही जो झांकियाँ निकलती हैं
वो राष्ट्रपति ये उनकी सलामी लेता है। और ये कब से चालू हुई है, एडिशनल फैक्ट भी मैं साथ साथ बताते जाता हूँ तो आप लिख सकते हैं। ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनके टाइम से 1950 में ये स्टार्ट हुई थी प्रथा, और उत्तर प्रदेश की यूपी की झांकी को अभी फर्स्ट प्राइज मिला, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे झांकी निकल नहीं थी, तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग रेड फोर्ट चले गए। दोस्तों क्या हुआ कि जब देखा गया कि इन्होंने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, अब किसी जो वहाँ पे खालिस्तान पंजाब के अंदर एक हमेशा एक अलग कंट्री की मांग उठने की, मतलब अलग कंट्री बनाने की एक मांग उठती रही है खालिस्तान नाम से, खालिस्तान संगठन से। अब उनके हजम नहीं हुआ कि कैसे ये देश मतलब इतना अच्छे रूप में आगे बढ़ रहा है। जब हजम नहीं हुआ तो क्या हुआ, अचानक से कुछ लोगों ने, कुछ ट्रैक्टर ने रूट बदल लिए। वहाँ रूट ये लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पर पहले से तय नहीं था। इन्होंने जाके लाल किले पे हंगामा किया, और लाल किले के पास एक फ्लैग होता है, उसके नीचे एक पोल टाइप का लगा रहता है, वहाँ पे अपने झंडे लगाए। और मैं दोस्तों बता दूँ, पहली बात एक क्लियर कर दे रहा हूँ, जो अपने देश का तिरंगा है, जो अपने देश का फ्लैग है, वो नहीं हटाया गया था। इन्होंने अपने समुदाय के जो मतलब कि एक होते नहीं सिख का जो झंडा होता है, किसान संगठन का झंडा वहाँ पे लगाया। पहली बात, फ्लैग नहीं उतारा गया। ये जो मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है मैं वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर इन्होंने क्या किया, ये लोग तोड़फोड़ पहुँचाने लगे, मतलब कहीं बस पलट रहा था, बस पलट दे रहे थे, कहीं किसी के ऊपर ये मतलब तोड़फोड़ मार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस वालों को मतलब ऐसे मारा है, मतलब मारा क्या, ऐसी ऐसी पिक्स वायरल हुई हैं, अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि ये हमारे देश का किसान नहीं हो सकता। दोस्तों आपको देखने से पता चल जाएगा कि हमारे देश का ये किसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो हमारे एक देश के जो इतने अच्छे पर्व में देश, जब पूरे देश अन्य देशों को दिखा रहा है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन ये नीच हरकतें करें। तो बहुत ज़्यादा, एक ट्रैक्टर भी पलट गया, उसमें एक चालक की मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि वो ट्रैक्टर जो था वो दिल्ली पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की, इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया, पुलिस को मारा भी, और बहुत लोगों मतलब इस टाइप से इन्होंने नीचता दिखाई कुछ लोगों ने, जिसके कारण इनकी संगठन का और जो किसान रैली का था पूरा मजा गिरगिरा हो गया। हमारा देश पहली बार देखता है कि किसान कितना समृद्ध है, मैं भी बहुत एक्साइटेड था और बहुत लोग होंगे, तो जब देखा तो पूरा मजा गिरगिरा हो गया, सारा कुछ फैल गया, रायता जैसे बोलते हैं, रायता फैल गया, वो सब फैल गया। फिर उन्होंने लाल किले पर जाके बड़ी बुरी तरीके से हंगामा किया, ये सब किया, और वाकई में ये बहुत दर्दनाक दृश्य था, जिन्होंने भी देखा होगा। और दिल्ली पुलिस ने जब 36 कंडीशन रखी थी, तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब कि एक क्षति नहीं पहुंचाएंगे और उसको डैमेज नहीं करेंगे, और दूसरी ये भी थी कि आप 5000 से ट्रैक्टर नहीं लेके जाएंगे, और दोस्तों ये 1,00,000 ट्रैक्टर लेके पहुंचे। सोचिए हमारे देश का किसान कितना समृद्ध है, और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। यूँ समझ लीजिए कि इनके हर एक स्टॉपेज पे डीजल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आप इनके अनशन ग्रह पे चले जाइए, लंगर चलता है जहाँ पुलिस भी बैठ के खाती है, सारा इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन सभी मतलब इतना ज़्यादा इमेज क्रिएट हुए, सब गंदा हो गया। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो ट्रैक्टर है वो दोस्तों 5 किलोमीटर का ही माइलेज देता है, और 5 किलोमीटर माइलेज में इतना रूट तय करना, उसके लिए बहुत डीजल की आवश्यकता थी, बहुत पैसा चाहिए था। और इन्होंने इस टाइप से व्यवस्था कर रखी थी, जगह जगह पे मैकेनिक, डीजल, इस टाइप से मतलब एक डिसिप्लिन था। लेकिन कुछ लोगों ने ये सब करके सब बर्बाद कर दिया, हमारे देश की बहुत गंदी इमेज गई है इस पे। फिर जब लड़ाई होती तो आपको मालूम है, पड़ोसी और जो हमारे देश का पड़ोसी, दोनों मजा लेते। तो पाकिस्तान ने बहुत कायराना हरकत करते हुए क्या किया, ट्वीट किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से कि इंडियन फ्लैग हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द खालिस्तान, मतलब जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं अलग देश की, उनके द्वारा इंडियन फ्लैग हटा दिया, जबकि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, इंडियन फ्लैग वहीं लगा रहा और वो नहीं हटा। तो एस टाइप की गई, और इन्होंने एक हैशटैग यूज किया, इंडियन रिपब्लिक ब्लैक डे, इस टाइप से। दोस्तों बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वाकई में ये मतलब घटना नहीं होने चाहिए थी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जिन्होंने ये किया वो हमारे देश का किसान तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये ऐसे तत्व हैं, मतलब ऐसे एंटी नेजेस हैं, ये देशद्रोही ताकत हैं, जिनको निकाल फेंकना चाहिए अपने देश से, तभी हमारा देश समृद्ध हो पाएगा। इन्होंने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, हालांकि धरा पकड़ सब चालू हुई है,
ये लोग भागे जा रहे हैं। कल एक रिपोर्ट भी निकली थी कि बहुत से जो लाल किले पे प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान तो मैं नहीं कहूँगा, जो अवांछित तत्व हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो गायब हैं बहुत दिनों से, कोई रिपोर्ट नहीं है। कहाँ गायब है वो तो आप समझ ही गए होंगे, दिल्ली पुलिस के अच्छे से खातिरदारी कर रही है। और मैं ये वीडियो को लेट करने का कारण ये था कि मैं मोदी जी का कल स्पीच आया था तो वो मैं सुनना चाहता था कि वो क्या बोलते हैं। उन्होंने भी कहा कि जो तिरंगा का अपमान हुआ है 26 जनवरी को इतने पावन पर्व पर, उससे पूरा देश वाकई में दुखी है और एक मतलब आहत हुआ है, एक क्या बोलते हैं उसको डैमेज हुआ है, उनकी जो फीलिंग होती है नेशनलिज्म फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। तो इस टाइप से ये पूरा मुद्दा था दोस्तों। ये एडिशनल फैक्ट लिख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम में झांकियाँ निकलना चालू हुई, परेड चल रही थी। और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को 7 तोपों की सलामी दी जाती है इसी दिन, और जो 26 जनवरी है वो 29 जनवरी तक 3 दिन तक चलता रहता है, 26 जनवरी से 29 जनवरी तक, जिसको बीटीटिंग परेड बोलते हैं। और जो राष्ट्रपति वो 21 तोपों जिसको बोलते हैं, वो 21 तोपों की सलामी लेता है, होती 7 तोपें हैं लेकिन 3 राउंड फायर किए जाते हैं, इनको पॉन्डर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पॉन्डर्स बोलते हैं। तो ये सब मुद्दा था, ये पॉन्डर्स वाला 26 जनवरी मैं किसी दिन ना किसी दिन कवर करवा दूंगा आपको सारे फैक्ट्स बना के। और हाँ, एक फैक्ट और कि जो अपने पहले रिपब्लिक डे पे आए थे वो इंडोनेशिया के सुकर्तो आए थे, वो ये नाम याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया के सुकर्तो। ठीक है दोस्तों, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। वाकई में कंक्लूजन मैं यही बोलना चाहूँगा या ये देना चाहूँगा कि जो भी हुआ वो बिल्कुल बहुत गलत था और सारे देश की भावनाओं को एक क्षति पहुँची है। वाकई में ऐसी इमेज मैं कभी जिंदगी में कभी दोबारा तो देखना ही नहीं चाहूँगा। और ये कहीं ना कहीं देश विरोधी जो ताकतें हैं उनका हाथ था इसमें, ये हमारा प्यारा किसान नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ, इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और होप सो आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं, आप अपडेट रह रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, और हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हमारा किस वीडियो पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं लेके आऊँगा। पढ़ते रहिए, जय हिंद दोस्तों।